तो धीरे धीरे बात करेंगे। एक भी मछली अभी तक तो नहीं आई है। नहा लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चार बेटी ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, आप सभी को याद होगा एक ब्लॉग हम बीच पे ही छोड़े थे जो कि कंटिन्यू नहीं किए थे, जो कि था फिश हुकिंग से लेकर के। तो आज हम जाएंगे फिश हुकिंग में। तभी जस्ट ही मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का कुछ इस प्रकार नज़ारे हैं। हर दिन तो दिखाते हैं बट आज भी दिखाएंगे। चारक मम्मी अभी फिलहाल वहाँ पे बर्तन धो रही है और हम अपना ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। तो आज ब्लॉग पे पूरा जरूर बने रहिएगा, हम फिश हुकिंग कर पाते हैं कि नहीं। अभी फिलहाल सबसे पहले मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख लग रहा है। मॉर्निंग के टाइम में रात में रोटी खाए थे और सो गए थे तो काफ़ी ज़ोर से भूख लग रहा है। और चारक मम्मी भी कल काफ़ी ज़्यादा परेशान की शाम में, क्योंकि उनका पता ही उल्टी वगैरह हो रहा है। तो क्या है नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट आया था, बिल्कुल पॉजिटिव। काफ़ी खुश हूँ मैं कि भगवान करे सही हो। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिएगा, अभी मैं चलूँगा फिश हुकिंग में। सबसे पहले मैं नाश्ते कर लेता हूँ क्योंकि धूप का सीजन है, तो कुछ देर तक रहूँगा वहाँ, तो देखूँगा कर पाता हूँ नहीं। तो मेरा ब्रश और मेरा कोलगेट अक्सर यहाँ पे रखा रहता है, ये वाला झोली में। तो यहाँ से निकालता हूँ, पता नहीं कोलगेट कहाँ रख दी है मम्मी। मम्मी अब जाने की कोलगेट कहाँ रखा हुआ, कोलगेट कहाँ है बेटा। और चारों मॉर्निंग में जैसे ही उठे उसके बाद में आम खाने लगे, क्योंकि इसका मम्मी गई थी उधर ना तो ले कर आई है। तो मेरा ये देखिए वो स्टिक जो बनाए थे वाला यहीं पे है। तो सोचे फाइनली कि क्यों ना फिश हुकिंग के लिए चले। तो चलिए सबसे पहले मुंह धो लेते हैं। तो मॉर्निंग से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जब से दातून लिए तब से उस टंकी में सारे जगह फूर चुके। हम लोग घर जगह वाला टंकी में पानी ही नहीं था, तभी जस्ट ये आम का पेड़ के पास आए हैं। और इस टंकी में शायद थोड़ा सा भी होगा तो खोल कर देखे थे हम, उछक रहे हैं कि है पानी, चेक कर लेते हैं। देखिए पानी का बहुत ज़्यादा हम लोग का दिक्कत होती है। एक टंकी वहाँ पर है तो उसमें अभी जाते हैं हम लोग, ऐसे चारों को भी ले आए हैं। चलो आ जाओ बेटा धोवा लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, हम लोग धोवा लेते हैं। दोस्तों जस्ट ही अभी मुंह धो के आए हैं, अब चलते हैं इसको सेटिंग करने, सेल्फी स्टिक को, सॉरी सेल्फी स्टिक हुकिंग स्टिक को। और चारों की मम्मी का कुछ हालत इस प्रकार है, थोड़ा नॉर्मल दिख रही है। अरे माड़ भात के लिए तंग कर रही है, काफ़ी अच्छे से खाती है। तो हम रखे हैं घर में, चलिए निकाल लेते हैं। निकाल लिए हैं जहाँ पे रखते हैं। तो एक टाइम हमने ये मोबाइल खरीदे थे तो इसी के अंदर में रखे हैं। खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, खोलो चारू, खोलो रे, पकड़ो रे उसको, पकड़ो उसको, हाँ खोलो खोलो। और तुम तो बंद कर दी, वैसे नहीं खुलेगा, छोड़ो खोल लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे ना खुल जाएगा। खुल रहा है, खुल रहा है, कहाँ खुलता है रे। यस, ये सारे यहाँ डॉक्यूमेंट सब है मोबाइल खरीदा हुआ का। तो ये यहाँ इधर इधर कहाँ हो गया रे। और चारू अक्सर आजकल कोई कपड़े पहनने का नाम नहीं करती है, गर्मी फिर से बढ़ गया ना। तो यहाँ पे हम सारे सामान रखे हैं, कुछ कुछ रखे रहते हैं यहाँ पे, कुछ अंदर में है सारे सामान है। तो हम अंदर देख रहे हैं, देखिए इतना सा धागा है, इस पे बंसी है। चलिए इसको सबसे पहले ओपन करते हैं। चलिए इसको ओपन कर ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हुक है और इतना लंबा रस्सी, इतना तो होगा नहीं होगा, मम्मी ला दी है जितने उतने। तो इसको सबसे पहले सेटिंग करते हैं क्या क्या लगता है। एक मुझे फूही की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जो होता है ना मछली जो अंदर लेके जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फूही बोलते हैं। तो उसको सेट करने के लिए पड़ेगा इसमें रस्सी में, तो ही पता चलेगा, तभी तो फिलहाल इसको हम सेट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको रस्सी में और लकड़ी में दोनों अटैच कर लिए हैं और इसको सेटिंग कर लिए हैं इस हुक में और इस लकड़ी में। तो इसको पूरी इस तरह से करके लंबे लंबे पूरा बांध दिए हैं। इस पर धागे हैं एक, जो कि फिश हुकिंग के लिए काफ़ी मजबूत होती है। और ये धागा देखिए यहाँ पे हुक है, चारू नहीं पकड़ना, फंस जाएगी बेटा, नहीं छोड़ दो उस पर, नहीं तुम्हारा ये नीचे फंसेगा, नीचे फंसेगा, चारू फंस जाएगी मछली की तरह। इसको इस तरह से पकड़ के रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए जो एक हम लोग आटा सान के लेते हैं, काफ़ी लोग क्या क्या लेते हैं उतना ज़्यादा मुझे आता नहीं है, मैं सिर्फ इसके लिए हम एक आटा सान के लेते हैं जो कि चारे के लिए। हमारे पास आटे हैं जो कि चारे को हम चाल के रखे हैं, वो काफ़ी महीन होते हैं ना, उसी को यूज करेंगे। यहाँ कटोरी ले लिए हैं और चारे को हम यहाँ पर सब्जी बना रही है, चना, क्या चना डाल दिया सब्जी में, लौकी कुछ बना रहे हैं, नहीं बोलने का मन कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे रखे होंगे, देखते हैं। ये देखिए ये वाला आटे को बंसी हुक में फंसाने के लिए सानेंगे। सबसे पहले इसको ले लेते हैं कुछ हम, इसमें बचपन की हरकत इसी तरह करते थे। पहले आटा भी नहीं मिलता था लेकिन खरीद खरीद के लेके जाते थे, अभी तो घर में आते हैं। और चलिए इसको भी सबसे पहले सानते हैं। तो पानी एक खोजना होगा मुझे, पानी भी नहीं इधर लगता है, पानी इस पे है। बाबू इसको लेके चलो, तो इसके लेके आओ,
लेकर चारों, चलिए चलो बकरी आ गया हमारा। अच्छा तुम लेकर लेकर चारू ये कर रही है लड़ाई। चलो लेक चलो बाहर, इस पानी के यहाँ रख देते हैं हम लोग, दूसरा पानी निकाल लेते हैं, वहां पे रख दो आटे को। अब चलते हैं इसको लोई बनाने, तो इस पे हल्के हल्के पानी डालेंगे और इसको सानेंगे। तो चलिए सानना स्टार्ट करते हैं इस तरह से, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ और राइट हैंड से मोबाइल पकड़ा हूँ कैमरा, और चारू पीछा नहीं छोड़ रही है। तू भी जाएगी, तुम भी जाएगी देखने, पानी तुमने डालो गिल्ला हो जाएगा। सबसे पहले चलिए इसको तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल घात नहीं लग रहा है मुझे। तो फाइनली आटा का गोंद बना के हम तैयार कर लिए। क्या हुआ तुम, ने पापा चारू की मम्मी वहाँ पे माड़ भात इनको दे दिए हैं, और ये माड़ भात बहुत प्यार से खाती है, डेली खाती है सुबह सुबह, और इस प्रकार कर लिए हैं इसको, ना तो ज्यादा टाइट करना होता है ज्यादा लूज, इस प्रकार पूरे साने हैं जो कि अच्छे हैं, जो बंसी में अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे। तो हम देहाती लोग किस तरह से मछली फंसाते हैं देखिएगा, कोई स्पेशल मछली फंसाने वाला हम नहीं है, बस जो जानते हैं उतना करेंगे, फंसे तो फंसे नहीं फंसे तो नहीं फंसे। बाकी तैयार हो चुका है मेरा, अब चलिए खाना का इंतजार करते हैं, खाना बनेगा खा लेंगे उसके बाद जाएंगे, क्योंकि धूप धूप का ही तो आजकल बारिश है और रात चल रहा है, पूरी तरह से धूप ही धूप है। और देखिए चारू मम्मी का ना मछली बजाने जा रहे हैं ना, तो बोल रही कि एक भी नहीं फंसेगा, ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि धर्म पत्नी है, कम से कम ध्यान देना चाहिए। देखिए मुंह लटकाए है ना, कल आप सब कमेंट किए थे ना कि मुंह लटकाती है, इनका मुंह लटक जाता है ना तो इधर का गाल का इधर वाला सारे गायब हो जाता है। अभी भी देखिए कैसे देख रही है, शेरनी जैसा, वाओ। ऐसे करके चिकू 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 करना पड़ेगा। चारू की मम्मी तो मोबाइल खोल के बैठ गई है, तो क्या ही करे, अपने से कुछ सब्जी को देखभाल करते हैं। मसाले पिसे हुए यहाँ पर, और यहाँ पर चने और चना का दाल और लौकी डाला हुआ है, और इस पर देख रहे हैं अच्छे तरीके से पानी भी सूख चुका है, इसको हम चलाते हैं। और इसको मुझसे नहीं बनेगा, मैं तो ट्राई कर लिया लेकिन इनका सब्जी को ही बना नहीं सकेंगे, बाकी मैं सारे तैयारी किया हुआ है बट मुझसे नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं लौकी का कुछ हालत इस प्रकार है, तो छोड़ देते हैं उन्हीं को ऊपर। तो जो भी देख रहे हैं रेसिपी वगैरह का कुछ वीडियो देख रहे होंगे ताकि बना सकें, तो क्या ही करें मुझसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं। उसमें पानी जितना था ना वो सूख चुका है, सूख गया पानी नहीं, पूरा गोटा गोटा है लौकी, मसाला नहीं डाले, कहाँ डाल दिए, कुछ हो नहीं, तो फिर आवाज आ रहा है, खुला है। तो अक्सर तो हम मम्मी और सारे परिवार के साथ में खाना खाते हैं, लेकिन आज तभी से मुझे पता नहीं था कि रात के बासी रोटी बचा हुआ है, तभी तक हम चले जाते डैम, ठीक है, मछली फंसाने। ये देखिए गांव का कुछ ऐसे आदमी लोग होते हैं जो सब्जी बनता रहा उसको बच के खा लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए चना दाल का और जो लौका का सब्जी बन रहा था ना उसका ये निकाल लिए, अभी खाएंगे उसके बाद यहाँ से चलेंगे ही, क्योंकि ज़्यादा धूप तक नहीं रहेंगे, कुछ घंटों तक रहेंगे जितना फंस जाए। सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, फाइनली खाना खा चुके हैं और एक गमछी ले लिए हैं, धूप लगेगा तो उस जगह तो पेड़ उड़ नहीं है, जिस जगह बैठ के हम फंसाते हैं ना मछली उस जगह है पेड़ उड़ नहीं, एक भी तो काफ़ी ज़्यादा धूप लगेगा, और इस कड़ी धूप में चलते हैं अभी फिलहाल हम, और सारे खा रहे हैं परिवार अभी बैठ के, और मेरा ये रेडी है, बस इसमें एक फूही लगाना है जो कि मुझे सिग्नल देगा कि मछली आया नहीं आया, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, कब मुझे निकालना है। तो चलिए आप कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिएगा, आप लास्ट सीन होने वाला, अभी चलेंगे पहले डैम और देखेंगे किस तरह का क्या होता है। अक्सर ई वाले रास्ते को हम दिखाते ही रहते हैं कि हमारा डैम इस जगह है, तो अब फाइनली पहुंच जाएंगे, तो चलिए जाने के बाद भी जो होता है सारे आप सभी को दिखाएंगे। चलिए हम डैम पे पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं इधर क्या होगा, ऐसे काफ़ी ज़्यादा धूप है, बस इस साइड में इधर से धूप निकलती है ना तो छाया है, बस यहीं पर देखते हैं। और देखिए छोटे छोटे ये क्या बोलते हैं, गेड़े बतख जो भी बोलते हैं सारे चर रहे हैं, तो किधर है किधर फंसेगा कोई गारंटी नहीं, बस इधर ही अंदाज से लगाएंगे, अब लगा के चेक करके देखते हैं। अभी तो मुझे एक फूही भी बांधना है, बांधे नहीं है, बट देखते हैं ट्राई करके। यही डैम बोल रहे थे कल कि पूरा सूख चुका है और नहाने लायक भी पानी नहीं है, लेकिन क्या ही करें, देखिए वहाँ पर भैंसे वगैरह हैं, बैल सभी पानी पीने आते हैं, तो चलिए वो सब छोड़िए अभी हम ट्राई करते हैं। तो एक जन रहने के बाद में कैमरा करने के लिए और कुछ भी चीज़ एक्टिविटी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से फंसा लिया हूँ और ये फूही को अंदाजा अनुसार बांध लिया हूँ और इस जगह नाप लिया उसके बाद में। तो चलिए अभी फाइनली हम ट्राई करते हैं, किस तरह से दिखाएंगे आप सभी को किस तरह से मछली घिसेंगे पता नहीं, सबसे पहले कुछ टाइम तक हम ट्राई कर लेते हैं, तो धीरे धीरे बात करेंगे। एक भी मछली अभी तक तो नहीं आई है, जस्ट लगा के इस तरह से बैठे हुए हैं, जो वाइट दिख रहा है वो है, और एक हाथ यहाँ पे इस तरह से पकड़ लिए डांग को,
लगाए हैं, पता नहीं इस पर बड़े बड़े महाजाल लगते रहते हैं। मछली बची भी है नहीं पता, मुझे नहीं है। एक दिन आए थे तो बट देखे थे कि थोड़ी बहुत थी। अब इतना इतना पानी में तो कुछ तो रहना चाहिए। देखिए इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा डैम, लेकिन अभी तक एक भी ट्राई नहीं मारा है। तो बस अभी देखते हैं, देखिए अभी मार रहा है। अगर चलिए नसीब सही रहा तो ना, तो बस थोड़ा इंजॉय के लिए, ब्लॉगिंग के लिए भी देखते हैं ट्राई करके जस्ट कुछ देरी तक, क्या होता है नहीं होता है। तो फंस जाए वही अच्छा है। मछली तो फंस भी नहीं किया। चलिए अब नहाते हैं यहाँ पर पूरा मजे में। मजा आएगा ना, मगर मजा आएगा ना, नहा लेते हैं। काफ़ी दिन के बाद डैम में नहा रहे हैं। मंगरू हंस रहा है, वहाँ मंगरू भी देखने आया है। नहीं मंगरू देखने आया तुम, नहा लेते हैं उसके बाद चलेंगे। देख रहे हैं पानी पूरी तरह से। चलिए अब बताते हैं आप सभी को मछली फंसा या नहीं फंसा। मछली मारने के बाद में आ चुके हैं हम मंगर बाजार, जो हम लोग का गांव के सामने लगता है। और हमेशा की तरह इस होटल में ही रुकते हैं, समोसा वगैरह खाते हैं। और सारा दुकानदारी मेरा हो चुका है, वो झोले में साल लिए हैं। तो हम लोग का विलेज का गांव और बाजार इस प्रकार है। देखिए ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, ऐसे हम इसका ब्लॉग नहीं बना रहे थे ना। सुबह मछली मारने गए थे तो उसका तो मछली फंसा नहीं फंसा आप सबको बताया भी नहीं कि। और अब यहाँ पे ट्रैक्टर जो आवाज़ कर रहा है ना, कुछ सुनाएगा नहीं। बाकी बात बंदे लोग काफ़ी मेहनत कर रहा है। तभी हम एक बिल्डिंग के ऊपर में आ गए हैं, मार्केट का साइड में ही। और आप सभी को बता देंगे कि आज हम मछली बुकिंग करने सके कि नहीं, एक भी नहीं। इतना बड़ा बड़ा महाजाल वहाँ पे लगता है ना कि सारे मछली खत्म हो चुके हैं उस डैम का। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मछली रहता था, और किसी तरह का हुक डाले उस पर मछली फंसती थी, काफ़ी अच्छा भी लगता था। लेकिन अब है नहीं तो क्या ही बोले। अभी तो फिलहाल हम मार्केट आ चुके हैं और आप सभी को दिखाए भी, पता नहीं इधर साइड में एक रूम में आए हैं तो साइड से दिखता है कि नहीं मार्केट। चलिए आप सभी को पूरा दिखाएंगे लुक। देख रहे हैं गांव देहात का मार्केट पूरा, वहां से ज़्यादा एरिया में नहीं, वहां से लेके बस वहां तक मात्र, उससे ज़्यादा नहीं इतना ज़्यादा नहीं है। बस चलते हैं अब नीचे, ज़्यादा इसमें करना नहीं है मुझे। यहाँ पर आए थे आप सभी को बता देने, ये वाला रूम में भूल जाते हैं, ये वाला रास्ता जाना है।